बहुत गहरा रीह की हड्डी के उपर जख्म से माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। जिंदा तुसीं प्रॉपर इलाज शुरू करवाया इन्हों का मेरा 6 महीने हो गए। हाँ जी तो माशाल्लाह जख्म 6 महीने ही लगे तो तुसीं समझो कि फिर कि गहरा जख्म से जिन्होंने 6 महीने लगे ने तो बड़ी अल्लाह ने रहमत की बड़ी अल्लाह ने रहमत थोड़ी मेहनत रंग लिया। अल्लाह पाक तुहानू भी जजा दे जिहड़े भैन भरा तुहाडे नाल ने अल्लाह उन्होंने भी जजा दे अल्लाह उन्हां दी कमाइयां च बरकत होवे। जे भैन हन तो उन्हां दी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया उन्हां दा भी ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ABG TV ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਚ ਮਚੂਦਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ और शबीर साहब जिहड़े ने माशाल्लाह ये काफ़ी हाशवाश हो गए ने। शबीर साहब की सेहत जिहड़ी है माशाल्लाह बेहतरीन है और शबीर साहब हुण उठ के भी बहन लग पे ने अलहमदुल्ला। पहले तो यह सी कि शबीर साहब जदों सानू मिले सन तो बिल्कुल शबीर साहब जिहड़े ने एक बस बॉडी सी इन्हां दी ना उस मूवमेंट सी ना हरकत सी ना कोई सिलसिला सी। हुण शबीर साहब जिहड़ा माशाल्लाह बोलण भी लग पे ने गल्लां भी करदे ने शबीर साहब तो अलहमदुल्ला पहला बोलना शुरू किया ने हूँ जो मतलब शबीर साहब हूँ जनाब वर्जिश भी शुरू हो गई जनाब बाहवा छावा उत्ते जान लग पे शबीर साहब हूँ उठ के बहन भी लग पे ने तो माशाल्लाह जड़ा वो अलहमदुल्ला असी बहुत खुश हाँ चूंकि साडा मकसद ही है वे कि इहदा ही नाम खिदमत इंसानियत है कि किसी नूं एक टाइम वास्ते मिल लैना या मिल के असल जिन्नी देर तक ये मंजिल ते नहीं पहुँचते इंशाल्लाह आप फजले खुदा असी इन्हां दे नाल खलोते रहांगे और असी खड़े हाँ 6वां 7वां महीना अलहमदुल्ला और असी भरपूर ड्यूटी कर रहे हैं और इंशाल्लाह असी चाहवांगे कि शबीर साहब की दवाई च कोई कुताही ना हो खास तौर पर इन्हां दी जिहड़ी मैडिसन है क्योंकि मैडिसन की बदौलत ही इलाज क्योंकि प्रॉपर हो रहा है तो वह शबीर साहब जिहड़े ने मतलब जिस्म च जान आ गई है तो चेहरे ते लाली आ गई है। जख्म इन्हां दा जी लेट लेट के इन्हां दे बहुत गहरा जख्म हो गया है सी मतलब चूंकि उठ नहीं सन सकते मूवमेंट नहीं सन कर सकते हिल नहीं सन सकते लेकिन हुण ते हिल जुल रहे ने ते हुण शबीर साहब जिहड़ा साडियां दुआवां ने जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हां नूं दिन जल्दी लै आवे जदों अपने पैरां ते भी खलो जाण और खलो के और अपनी जिंदगी जिहड़ी आसानी नाल गुजार सकण यही साडा मकसद है और यही खिदमत इंसानियत है तो आप साढ़े नाल ने तो असं पूछने कि शबीर साहब किन्ने बेहतर ने और चूंकि पिछले महीने असी 2-3 महीने बाद एक वीडियो कर ली है कि चलो मतलब पता रहे कि शबीर साहब जोड़े ने असं इन्होंने नाल ही हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी की हाल है? ठीक है भाई तुसी सुनाओ। तो शबीर साहब हूँ माशाल्लाह फिर बहुत भाई अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की अल्लाह ने तुहाडी मेहनत रंग लियाई है। जख्म ही बहुत गहरा से ते डर हुंदा सी जख्म वेखीदा सी ना लाइट बाल वाल ते इंज लगदा सी कि कुछ लग ना जाए ना बहुत गहरा रीह की हड्डी के उपर जख्म से माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। जिंदा तुसीं प्रॉपर इलाज शुरू करवाया इन्हां दा मेरा 6 महीने हो गए। हाँ जी तो माशाल्लाह जख्म 6 महीने ही लगे तो तुसीं आ समझो कि फिर किन्ना कु गहरा जख्म से जिन्होंने 6 महीने लगे ने तो बड़ी अल्लाह ने रहमत की बड़ी अल्लाह ने रहमत थोड़ी मेहनत रंग लिया। अल्लाह पाक तुहानू भी जजा दे जिहड़े भैन भरा तुहाडे नाल ने अल्लाह उन्होंने भी जजा दे अल्लाह उन्हां दी कमाइयां च बरकत होवे। जे भैन हन तो उन्हां दी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया उन्हां दा भी कि तुहाडे नाल चलदे ने ते तुहानू सीहा बनाया है उन्हां माशाल्लाह असले कि जिहड़े लभ लभ के तुसीं ते मरीज़ नूं जां जिहड़ा इस काबिल है तुसीं वाकई हुण पहुँचदे हो। यह गल झूठी नहीं कि वाकई तुसीं पहुँचदे हो जिथे कहा किसी ने उत्थे ही तुसीं पहुँचे हो तो अल्लाह पाक जजा दे तो उन्हां दी मेहरबानी जिहड़ा तुहाडे नाल तामन करदे ने अल्लाह पाक उन्हां नूं जजा दे तो अल्लाह तुहानूं भी तंदुरुस्ती दे बड़ी मेहरबानी। एक इह वे दूसरा इह वे कि डॉक्टर साहब तुसीं बड़े अच्छे जिहड़े ने ओह चूज कीते ने जी सानूं तां नहीं सी उन्हां दा पता बस भाएं मैनूं ना किसी ने दस्या सी उत्थों ते जिन्हें भी इलाज करवाया सी दौड़दे सन लेडीज़ सी एक जेंट्स सी तो मैं 2 बारी गई सर तो तुम्हें भी पता लग गया कि उन्हें दवाई कितनी महंगी दवाई तो महंगी है ना जी।
फीस दी तो चलो 1000 रुपया से वो कोई नहीं, बंदा चुक के कर ले। दवाई प्रॉपर मैं महीने की किस तरह लियादी, 6 दी 7 दी 5.5 दी दवाई सी, वो नहीं समय लिया सकती। 2 महीने पहले मैं करवाया से फिर कोई ना, अगर इन्हों का प्रॉपर उदू इलाज हो जाता तो वाकई इन्हें हूँ टुर पैना से, तो दवाई तो ही रह गए सन। तो मेहरबानी हूँ प्रॉपर इलाज हो बहुत बेहतरी आई है, इन्हें बहुत ही बेहतरी आई है। हाँ जी पान, मैं सारी रात जाग नहीं सा, सारी रात मैं जाग नहीं सा इन्हों के नाल, तो हूँ शुक्र है मैं भी सौ जानी हाँ, भी सौ जाते हैं। अल्लाह पाक तुहानू भी जजा दे जे, बड़ी अल्लाह ने करम किया अपना, बड़ी रहमत हुई अल्लाह ने जी। नाज़रीन माशाल्लाह मुसलसल 7वां महीना शुरू हो चुके है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिम्मत दी और दोस्तों के तावन नाल अल्लाह की मदद के नाल असी अल्हम्दुलिल्लाह 7वां महीना। तो मनु इस गल की बड़ी खुशी है, खुशी इस गल की है कि शबीर साहब जड़े ने माशाल्लाह ये बेहतर हो रहे हैं, तो सानू इस गल की खुशी है। तो उन्होंने वास्ते मैं कहना चाहूँगी कि नेकी करिए, तो कहें कि खब्बे सज्जे ना पता लगे, सज्जे खब्बे का ना लगे, अगर उन्हें नेकी करनी है तो उन्होंने नंबर न कोई तलक नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह की रजा वास्ते नेकी करनी है। उन्होंने नंबर की करना नंबर नंबर कोई नंबर तो फिर वह मंगते जिन्ना टाइम पास करना, जिन्ना नेकी करनी है नंबर नहीं मंगते, उन्हें अल्लाह की जजा वास्ते अल्लाह की रजा वास्ते नेकी करनी है, तो उन्होंने मेहरबानी है नंबर उन्होंने की करें थोड़ा तावन कर नंबर पहला दिते भी ने। हाँ। नंबर दिते भी ने कोई मतलब ओदा खातर खा जड़ा ना और रिजल्ट नहीं निकलिया जी, ठीक है जी। अच्छा ओदे च नंबर देन च फिर ए ना जी ए नहीं पता लगदा, ओ कहन वाले कहंदे ने जी असि बहुत कुछ भेज दिता। हाँ जी, ते लैन वाले कहंदे ने, लैन वाले कहंदे ने सानू लब्भा कुछ नहीं। नहीं नहीं, तो आ जेड़ा तुहानू अल्लाह ने वसीला बनाया तुसी ते वाकई पहुंचदे हो, जो कहंदे हो करदे भी हो, तो उन्होंने भी मेहरबानी हो, अल्लाह ने उन्होंने जो वसीला दिता इस काबल किया है तो वह तावन कर। दूसरा बाजी मैं तुम्हें एक होर गल दसना, ये कैमरा चल रहा है, जदों शबीर साहब फस्ट टाइम असी वीडियो जी उदों साढ़े सरे फरिस्त जड़े ने मतलब एक दोस्त ने साढ़े भट्ट साहब जिन्होंने पैसे थोड़े वास्ते भिजवाए सन 50,000 रुपया और बाकी जड़ा कोई एक दोस्तों ने उन्होंने शबीर साहब वास्ते किया सानू, लेकिन वह पहला महीना या पहला तो मतलब टाइम गुजर गया जी। ठीक है जी, लेकिन उस तो बाद मैं हूँ आन कैमरा कह रहा वा, उस तो बाद किसी बंद ने नहीं पूछा, चाहिए तो यह वे कि मतलब नाल नाल चलना पता करना मतलब, लेकिन हूँ असी तो रस्ते च नहीं छड़ सकते, यही मकसद है ना। उन्होंने अगर तुम्हें चलाया तो फिर उन्होंने पूछना चाहिए कि भाई तुम जो काम किया कर दे, इस तरह कर दे लोगों को कहने कि तुम देखो सानू फर्ज करो कि किसी बंदे का काम है वह काम है 20,000 रुपये का, ठीक है जी, तो सानू किसी ने 20,000 सानू भेज दिता है, तो बस दफा ऐसा होंगे कि असं जाकर रिक्वेस्ट करने तरला करने वो 13,000 च हो जाता है, ठीक है वो 13,000 च हो जाता है, तो एक बंद की 7,000 च दवाई आ जाती महीने की, ठीक है, तो वह 7,000 नाल मतलब वो जोड़ा वो निज़ाम चल जाता, ठीक है। इस तरह ही एक दूसरा बंदा है तो उधरों मतलब जोड़ा वो मिला चला के उस सिस्टम चल जाता है, ठीक है, उसे सिर्फ ये कहने कि मतलब अगो निज़ाम चलना चाहिए, लेकिन टाइम को नहीं देता, नहीं होना चाहिए, अगर तो अल्लाह पाक ने उन्होंने इस काबल किया है तो उन्होंने चलना चाहिए, दवाई चलो आ गई, मेनू बहुत खुशी है, चलो दवाई तो नहीं रेंदे पे, लेकिन 3 मेरे बच्चे ने तुसी जानते हो जो कमाने वाला सरबरा ना हो तो की हालात होंगे ने, तो मैं अज तक कभी किसी ने इंज भी नहीं किया, हूँ मैं मजबूरी पूरा महीना अपनी अम्मी घर कढ़ के आई हूँ, मैनू कहते हैं छुट्टियां तू रह, मैं आख्या नहीं अम्मी हूँ मैं जाना इन्हों की दवाई लैनी है, भाई नौरा ने आ जाना, तो अगर मैं मेरे को भाई नौ तो मैं क्यों किसी के दरवाजे से इन्होंने बेचारे ने इस तरह लै लै कि जावा, तुम्हें पता जरूरत बहुत ने जिंदगी दया, हर चीज़ लियानी है, हर चीज़ मुल दी है, बच्चे ने बच्चों तो नहीं पता कि है कि नहीं है, उन्होंने भी मंगना,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਣ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 100 ਬਿਸਮਿਲਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਣਾਉਣੇ ਪਾਣ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਪਾਣ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਕਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਛੱਲੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਤ ਪਾਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤਿਰਸ਼ੇ ਮੁੱਲਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬੇਲੌਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਵੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।